नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जल्द होने वाला है, इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामपुर पहुंचे हैं और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर मंथन किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हज सऊदी अरब के लोग ही करेंगे, बाहर के लोग नहीं करेंगे। यह सऊदी अरब सरकार का फैसला है। केंद्र मंत्री ने अखिलेश यादव के दिए गए बयान के भाजपा जिला पंचायत सदस्यों को धमका रही है। इस पर नकवी ने कहा, एक पुरानी कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, कहां उनके पास ना संख्या है और ना ही अच्छी सोच है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी देर रात अपने दो दिवसीय दौरे के तहत रामपुर पहुंचे थे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। आज सुबह उन्होंने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं संग मंथन किया। इस दौरान जनपद रामपुर के सभी भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। इस बार हज को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, आज तो हज 2021 नहीं होगा और वहाँ की सरकार ने ये निर्णय किया है कि जो बाहर के मतलब सऊदी अरब से बाहर के जो हज यात्री हैं वो नहीं आएंगे और मुझे लगता है कि जो उनका निर्णय है उस निर्णय के साथ हम लोग हैं और जो इस समय हालात हैं कोरोना पेंडेमिक के लोगों की सेहत सलामती की दृष्टि से थी। सर, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्यों को धमका रही है, उनके पास अध्यक्ष बनाने के लिए सदस्य नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। अब उनको इस बात का एहसास है अच्छी तरह कि उनके पास ना संख्या है और ना अच्छी सोच है, तो इसलिए इस तरह की बातें करेंगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।